गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने खुद ही स्वीकार किया है कि वे जहां भी जाते हैं कांग्रेस वहां हार जाती है। जब कांग्रेस को हराना ही है तो दिग्विजय सिंह 66 सीटों की सूची कमलनाथ को न सौंपकर हमारी पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा को सौंपे और 66 के बाद वो कांग्रेस के जीतने की गिनती शुरू करें। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कर्नाटक में कांग्रेस के धर्मांतरण कानून वापस लेने को लेकर तंज कसा। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून वापस लेने से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेसियों का हाथ जिहादियों के साथ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से हैं तो वो इस मामले पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा को स्पष्ट करना चाहिए कि लड़कियों को सुरक्षा देने वाले कानून को वापस लेना क्या जिहादियों को संरक्षण देना नहीं है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ द्वारा कर्मचारियों को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि ये हार की हताशा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, अधिकारी कर्मचारी पढ़े लिखे हैं, वो आपके गुलाम नहीं बनेंगे। आप और दिग्विजय सिंह तो अफसरों को कहते हैं कि इनकी चर्बी बढ़ गई है, हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे। आपकी इन धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। अब खड़गे जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोलने स्थिति में भी नहीं होंगे, पर प्रियंका जी, राहुल जी से जरूर सवाल है कि प्रियंका जी कहती थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, अब ये तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए था धर्मांतरण विधेयक, उनको संरक्षण देने के लिए था। क्या कानून रद्द करना जिहादियों को संरक्षण देना नहीं है? एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। कमलनाथ जी, आप के समय में जब दिग्विजय सिंह जी सीएम थे ना, तब उनने भी कहा था कि हमें इनके वोट नहीं चाहिए। कभी आप कहते हो 15 महीने बाद हिसाब लूंगा, कभी कहते हो बीजेपी के लिए काम करने वालों की मैं सूची बना रहा हूं, कभी कहते हो अफसरों पर चर्बी चढ़ गई है। ये निंदनीय कृत्य है, आप चिंता नहीं करो, इनसे कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपके इस धमकी में आने वाला नहीं है, इस विषय को बोलो। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर की घटना पर बोला कि इंदौर में हुए लाठीचार्ज की घटना की जांच एडीजी स्तर के अधिकारी वहां जाकर करेंगे, सभी तथ्यों को जांच में शामिल किया जाएगा, संबंधित टीआई को लाइन अटैच कर दिया जाएगा। वहीं गृह मंत्री ने सतपुड़ा भवन के रिनोवेशन को लेकर बोला कि सतपुड़ा भवन का पहले तकनीकी परीक्षण होगा, उसके बाद निर्णय होगा कि बिल्डिंग का रिनोवेशन होगा या डिसमेंटल। रिनोवेशन की जहां तक बात है, पहले उसका टेक्निकल परीक्षण इमारत का होना है कि वो आग से कितनी क्षति बिल्डिंग की हुई है, उसके बाद ही ये तय होगा रिनोवेशन होगा या डिसमेंटल होगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में।